तो फ्रेंड ये देखिए, जो डिज़ाइन आप लोगों ने देखा है, तो उसे तैयार करने के लिए सबसे पहले जो काम है फ्रेंड, तो इसी तरह एक ड्राइंग हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले इसी तरह एक ड्राइंग करेंगे, तो इसका बहुत अलग अलग प्रोसीड्यूर होता है। मैंने बहुत वीडियो में बताया, जो फैब्रिक का जो कोर्स मैं जब सिखा रहा था तब आप लोगों को बोला था फ्रेंड, टोटल स्ट्रक्चर का एक ट्रेसिंग बनाना पड़ता है, जैसे कि डॉट 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 देकर आप लोग बना सकते हो। अदरवाइज जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे लेकर, और पहले वाला जो नॉलेज लेकर कुछ नया आप लोग टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा जो काम है, तो फ्रेंड पहले ही मैं बता दूँ फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा जो तरीका से सिखाता हूँ एक डिज़ाइन दिखाता हूँ, और वो डिज़ाइन देखकर आप हज़ारों आप लोग डिज़ाइन खुद ही बना सकते हो। इसी नॉलेज में देता हूँ हमेशा सभी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस टाइप का डिज़ाइन करने के लिए, ये देखिए मैंने इस डिज़ाइन को, इसमें क्या यूज़ करूँगा, मैं बॉक्रो में यूज़ करूँगा इस जगह में, और इस डिज़ाइन को मैं जो तरीका से मैं कर रहा हूँ, जैसे कि इस जगह में एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, इस जगह में कोई अलग से कपड़ा देकर कर सकते हो, बैकग्राउंड मैंने जिस तरीके से कर रहा हूँ, आप हो सकते हैं जैसे किसी पैच में यानी कि किसी अलग से कपड़ा में इसे यूज़ करके उसके बाद इस डिज़ाइन को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह बहुत अलग अलग तरीका होता है, डिज़ाइन का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, मैंने हर डिज़ाइन जब दिखाता हूँ मैं कह देता हूँ इस डिज़ाइन से इस डिज़ाइन बनता है, वो बनेगा, तो इसकी वजह है फ्रेंड, डिज़ाइन अनलिमिटेड होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लाखों डिज़ाइन होता है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जो तरीका यूज़ कर रहे हैं इसी तरह आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, और आप लोग अगर आपके पास अगर कोई कार्बन वगैरह हो, ट्रेसिंग पेपर हो, उसे आप लोग बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो आप लोग। और मैं क्या करूँगा फ्रेंड, इसे इसी तरह करना चाहते हैं हम लोग इसी तरह। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह आप नीचे कार्बन देकर आप लोग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। कार्बन देकर कर लेंगे, नहीं तो इसे बनाकर अलग से ट्रेसिंग करके आप अगर एक साथ अगर बहुत यानी कि क्वांटिटी कर रहा है तो आपके लिए ट्रेसिंग बेस्ट होगा। आप ट्रेसिंग करिए, इसी तरह आप घिस के आप लोग उसे ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैंने इसी तरह बॉक्रम को कट कर लिया है, और ये रहा हमारा डिज़ाइन, थोड़ा सा दिख रहा है हमारा। इसी तरह हम दिख कर काम चला लेंगे, और आपके पास अगर इसी तरह ड्राइंग हो आप पहले से कॉपी करके अलग से जगह में रखिए, नहीं तो कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो
और एक चीज़ चाहिए फ्रेंड हमारा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ क्या चाहिए। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने सभी में बकरम पेस्ट करके दिखा रहा हूँ उसके बाद, और ये देखिए उसके बाद जो शेप हमारा है ना, तो उसी तरह ही हमें कट करना है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह शेप देना है। तो ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी में शेप देकर उसके बाद में फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड मैंने कट कर लिया है, और उसके बाद इसी तरह जो फेवी स्टिक होता है और उसे देखा, जैसे आप लोग तो जानते हैं मैंने ये टेक्निक बहुत बार आप लोगों को सिखाया फ्रेंड, तो ये टेक्निक से हम बकरम को पाका करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम ये पाका करने से पहले हमें क्या करना है, इसे इसी तरह काटना है। ठीक है, और इस साइड को भी इसी तरह काट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद क्या करना है, इसे इसी तरह अच्छे से शेप देकर इसे कर देना है। ठीक है फ्रेंड, देखा ये कितना अच्छा फिनिशिंग बना है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा पास से भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और बहुत लोगों को ऐसे कन्फ्यूशन भी होता है कि ऐसा हो भी सकता है, तो देखिए मैंने एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और आप लोग देखेंगे जिस तरीका से कर्व हुआ है वो एकदम प्रोमिनेंट हुआ है, किसी भी जगह में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ही सब मैंने करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए, और उसके बाद जो काम करना है बहुत ही सिंपल है, और मैंने पूरा तो तैयार कर लिया है। और उसके बाद ये है हमारा कपड़ा है, और जिस तरीके से हम इसे लगाना चाहते हैं उसी तरह ही हम इसे सिला देंगे।
ठीक है फ्रेंड, आपने देखा है किस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है, और उसके बाद इसे कट कर लेंगे हम। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग बना है। तो इसी तरह हम ये भी दो है तो ये भी हम इसी तरह लगा देंगे। बट फ्रेंड, जो रेड वाला जो धागा है ना, हम उसे यूज कर रहे हैं इस जगह में। और फ्रेंड, उसके बाद हम देखिए क्या डिज़ाइन करने जा रहा हो। जैसे कि इससे बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को दे दूँ। देखिए, मैं जो अभी करने जा रहा हूँ, मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, और आप लोग चाहे से स्प्रे भी आप लोग कर सकते हो। ये था, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद और भी कुछ तरीका बताऊँगा, ताकि जो मैं कर रहा हूँ आप उल्टा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं पास से दिखा दूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया ये इफेक्ट बन रहा है, और आप इसे जैसे कि साड़ी में भी आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, कुर्ती वगैरह में, ब्लाउज में, कुछ भी में आप इसे अपने हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, ये फर्स्ट है, और उसके बाद देखिए और भी बहुत कुछ टेक्निक्स इसमें हम देंगे, धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और देखिए मैं क्या क्या इसमें क्या हूँ थोड़ा सा दिखा दो आप लोगों को। तो ये रहा हमारा डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड मैंने ये जो ब्लैक वाला जो लाइन दिख रहा है इस जगह में, तो इस जगह में फ्रेंड आप स्टिच यूज़ कर सकते हो, जैसे कि काथा स्टिच होता है, तो काथा स्टिच फ्रेंड इस जगह में आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बेस्ट इसका बहुत अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि हम इस काम को और भी हम जैसे कि बेस्ट हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप चाहे इस जगह में जैसे कि सन लाइट होता है ना, तो उसी तरह रे 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 करके एक आता है स्टिच का, इसी तरह लाइन भी देकर यानी कि ब्लैक कलर में देंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, दे सकते हो आप। और उसके बाद फ्रेंड इस जगह में जो दिख रहा है ये तो स्प्रे मैंने बता दिया है, और इस जगह में भी आप लोग बहुत अलग अलग तरीका है टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें आप अगर क्या बोलते हैं उसे जो पाइप होता है ना जो स्टोन का, तो वो इस जगह में 1 2 3 करके आप लोग लगा सकते हो इस जगह में, तो थोड़ा सा गॉर्जियस लगेगा। और इस टाइप जैसे कि बुटीक स्टाइल का ये टेक्निक है ये, तो जिन लोगों का बुटीक है तो आप लोग बहुत आसानी से ये टेक्निक फॉलो करके आप कुर्ती वगैरह साड़ी वगैरह अब बहुत कुछ कर सकते हो। और एक चीज़ इसमें कर सकते हो फ्रेंड, जैसे कि ये फ्लावर है ना, तो ये तो एप्लिक है, तो एप्लिक को मैंने अलग ढंग से मैंने दिखाया जो बकरम बनाकर, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी से करो और चाहे जो दूसरा टेक्निक आप पूरा कपड़ा में बकरम करके इसी तरह शेप करो और नीचे से ये वाला कपड़ा देकर आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और एक टेक्निक है जैसे कि फ्लावर का जो इस जगह में जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है ना जैसे कि फ्रिंगिंग लाइक फ्रिंगिंग, तो उसी तरह कुछ इफेक्ट फैब्रिक में आप लोग दे सकते हो। अदरवाइज इसमें जो कुछ करना है आप हैंड काथा स्टिच आप सिंपल सा इसमें यूज़ कर सकते हो। तो और ये जो पत्ता दिख रहा है फ्रेंड, इस पत्ते को जैसे कि ग्रीन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या होता है, बहुत लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि ये जो ग्रीन होना था मैंने व्हाइट के लिया है। देखिए ये एक मोटिव डिज़ाइन है जो कॉलकफिकेशन होता है ना, तो उससे हम कलर कॉम्बिनेशन सेटअप के लिए हम इसी तरह अलग अलग कलर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि जो ग्रीन है वो ग्रीन ही देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और जाने से पहले फिर से फ्रेंड आप लोगों को बता दूँ, तो हमारा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए, और जो लाइक वाला बटन है उसे क्लिक करके लाइक कर दीजिए, और जो राइट में जो बेल वाला बटन है उसे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ले लीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इंस्टेंटली चले जाएगा। और क्या बोलना है और कुछ भी नहीं है। दोबारा फ्रेंड आप जैसे कि आप क्या होता है कि आप जब लाइक करते हैं ना, और लाइक और जैसे कि व्यूज़ बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है हम नया नया उस टॉपिक्स के ऊपर हम नया नया वीडियो लेकर फिर से आप लोगों के सामने हम आ जाता है, यानी कि हमारे चैनल में फिर से हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। हमें पता चल जाता है हाँ हम अपने वो डिज़ाइन आप लोगों ने चूज़ किया है, तो हम उससे रिलेटेड और भी डिज़ाइन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूँ। तो इसलिए फ्रेंड लाइक करना बहुत ज़रूरी है, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।